इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। हम बाशीबान स्कूल में यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन यहाँ पर उन्होंने रखा है। बच्चों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसे यहाँ पर पेश किया हुआ है। पूरी एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में इन्होंने यहाँ पर काम किया, और वाकई एक काबिल सताइश और काबिल तारीफ है। और इस तरह के एग्जीबिशन दूसरे स्कूलों में भी रखने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। टू ब्रिंग क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट्स, साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन हैज़ बिन ऑर्गेनाइज बाय बाशीबान इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड बाशीबान प्राइमरी स्कूल। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का एक क्रिएटिविटी लाने के लिए साइंस और क्राफ्ट का एग्जीबिशन जो है कंडक्ट किया गया है बाशीबान इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में। और इस एग्जीबिशन में 130 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। वी फील वेरी प्राउड दैट आवर स्टूडेंट्स हैव सच काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। पहले तो मैं सब बच्चों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स का, कि वो अपना एफर्ट अच्छा से डाले। और आप पूरे सारे स्टाफ का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मेहनत से ही सब कुछ हुआ है। आफ्टरनून, यह वी सी इन दिस एग्जीबिशन दैट द टैलेंट ऑफ द चिल्ड्रन कम आउट एंड इट्स वेरी इट एनकरेजेस द चिल्ड्रन ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे आज साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया है। तो यहाँ पे तुलबा व तालिबात और टीचर और साथ ही साथ पेरेंट्स का जो मेहनत है यहाँ पे पता चलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बाशीबान प्राइमरी स्कूल, बाशीबान इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की जानिब से आर्ट्स, क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जिसमें जो है हमारे बाशीबान प्राइमरी स्कूल, बाशीबान केजी स्कूल, बाशीबान इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के तमाम असातेज़ा जो है दिलो जान से मेहनत करके तमाम बच्चों को इस तरह से तैयार किया है कि वो आज के छोटे बच्चे जो है कल के इंशाल्लाह जो है इंजीनियर बनने के लायक बन चुके हैं। मैं इत्तेहाद न्यूज़ के चीफ एडिटर जनाब इकबाल अहमद साहब का भी जो है दिल की अमीक गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। बाशीबान स्कूल की जानिब से साइंस एंड क्राफ्ट का जो एग्जीबिशन रखा हुआ है, यहाँ पर एक अहम बात देखने में आई है, ख़ास बात देखने में आई है कि यहाँ पर भी बाबरी मस्जिद को नहीं भुला गया है। बाबरी मस्जिद आज भी उन बच्चों के जहनों में नक्श हो चुकी है जो ये तकरीबन कई साल पहले 1992 में इसे शहीद किया गया था। लिहाजा इस साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में बाबरी मस्जिद का एक नक्श, एक इसकी जो इमारत देख सकते हैं। और बच्चों को हम पूछना चाहते हैं, ये बाबरी मस्जिद का नक्श बनाने में क्या वजह क्या है, इसके पीछे क्या है? हमने ये बाबरी मस्जिद बनाया है क्योंकि हमारे दिल में आज भी उतनी मोहब्बत है हमारे कौम से। ये बाबरी मस्जिद के बनाने के लिए हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। और ये 1752 में बाबर ने मस्जिद को तामील किया था, तभी कारण से इस मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में शहीद किया गया था। तो इसलिए हमारे कौम के दिलों में हमदर्दी जगाने के लिए हमने ये मस्जिद तैयार की है। आप देख सकते हैं कि ये नौजवान है, ये जो है 15-16-17 साल के नौजवान, लेकिन इनके जहनों में बाबरी मस्जिद नक्श है और इनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है 6 दिसंबर 1992 को, और इस मस्जिद को हम कभी भी भूल नहीं सकते।
located in New Delhi. Parliament is called Sansad Bhavan, and the construction of building took 6 years, and the building ceremony was opened, performed in 18 January 1972. We are introducing air pollution by vehicles and factories. Also, air polluted by factories are removing smoke through chimney and gases, and is mixing by this by air pollution is to take place. Sir, ये जो है ना sir, जो धुआं फैलता है factory से, जो गाड़ी से, जो लोग बीमार हो सकते हैं sir, ये हम model बनाया है जो air pollution. Thank you sir. Assalamualaikum, मैं सातवीं जमात की तुलबा हूँ. मेरा नाम इकरा है. मेरे project का नाम दिल में दौरान खून का निजाम है. हमारे जिस्म में तीन किस्म के खून की नालियाँ हैं. एक एथरीस, दूसरी वेंस और तीसरी कैपिलरीज. हमारा दिल हमारी मुट्ठी होता होता है, और हमारा दिल लेफ्ट साइड होता है. हमारा दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है. 7th क्लास की तुलबा हूँ मैं. मेरा नाम नूरैन, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी है. फैक्ट्रियों का धुआं न सिर्फ मजदूरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी नुकसानदायक है. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. ए वाटर पंप है. ए वाटर पंप जमीन के अंदर का पानी निकालता है. इस पानी को हम फैक्ट्री, खेत, घर में इस्तेमाल करते हैं. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम, मैं 7th जमात की तलबा हूँ. मेरा नाम आलिन है. मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मिक्सर ग्राइंडर. जब पहले ज़माने में मिक्सर मौजूद नहीं थे, तो लोग पत्थर से मसालों को पीसा करते थे. मगर मिक्सर की वजह से लोगों का काम आसान हो गया है. मिक्सर करंट की वजह से चलता है. अगर करंट चला जाए तो हमारा काम फिर से रुक जाता है. तो इसलिए आज हमने ऐसा मिक्सर ग्राइंडर बनाया है जो बिना करंट के बैटरी से भी स्टार्ट हो सकता है. इस मिक्सर को बनाने के लिए हमने मिक्सर बॉडी का इस्तेमाल किया है. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम तंजीला पठान है. मैं सशुम जमात में पढ़ती हूँ. मेरे प्रोजेक्ट का नाम है कारखाना. कारखाना और मोटर गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं, जिसमें जहरीली गैसें शामिल होती हैं, ये हवा को आलूदा बना देती हैं, जिसको हम फिजाई आलूदगी भी कहते हैं. जब ये आलूदा हवा सांस लेने पर फेफड़ों में दाखिल हो जाती है, तो फेफड़ों का कैंसर और दम्मा जैसी खतरनाक बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं. माशाल्लाह, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि बाशीवन हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब का, बाबर साहब का. और अक्सर इससे पहले भी हमारे बहुत सारे स्कूलों में जाना हुआ है. इतना अच्छा अवेयरनेस देखने के लिए नहीं मिला है. या इतनी अच्छी कलाकारी के साथ में बच्चों ने मेहनत की है. एक एक चीज़ ऐसी बनाई है, तारीफ़ काबिल है बच्चों की. हमें यहाँ बहुत ही अच्छी खुशी महसूस हो रही है ये देखने के बावजूद है कि बच्चों में इतना टैलेंट भरा हुआ है. और बाशीवन हाई स्कूल की मेहनत भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि ये देख कर बहुत खुशी हुई. और हम इस बहुत खुश नसीब है कि हमारे बच्चे यहाँ पर जो है तालीम हासिल कर रहे हैं. और हम तहे दिल से इन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी वजह से आने वाले नस्ल, आने वाले बच्चे भी माशाल्लाह इनको देखकर और ऐसी तैयारी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. हमने पूरा ये एग्जीबिशन देखा, साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन. और यकीन मानिए कि ये जो माशरा है, इन्हीं माशरे में से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर और कोई जो है साइंटिस्ट पैदा होता है. और ये जदीद टेक्नोलॉजी को बच्चों के अंदर पैवस्त करना, ये इन्हीं असातिज़ा का काम होता है. जो बाशीवन स्कूल के स्टाफ की जानिब से ये काम को अंजाम दिया जा रहा है. लिहाजा ये छोटे बच्चे जिन्होंने ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, और जो क्रिएटिविटी का जो मादा उनके अंदर पैवस्त किया है, उन असातिज़ा, उन उस्तादों का शुक्रिया अदा. और ये ज़रूरी है कि दूसरे स्कूलों में भी इस तरह के एग्जीबिशन किए जाएँ, ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी और आने वाली नस्लों में इस तरह की जदीद तालीम उनके अंदर पैवस्त हो जाए. इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.